तो भाई साहब एक और बढ़िया सी वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज हम आपको ट्रैवल कराने जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड का खाना खिलाकर। मैंने सुना कि आपका फूड खा के बंदा बाहर पहुंच जाता है। बाहर पहुंच जाता है आपको आपको जिस भी कंट्री में जाना है आप बताओ मेरे को, मैं अभी अभी पहुंचा देता हूँ वहाँ पे। तो पाजी मेरा फर्स्ट वीजा मतलब जापान का लगा दोगे? लगा देंगे, जापान का लगा देंगे, कोरिया का लगा देंगे और महंगा भी नहीं लगाएंगे, 250-300 रुपए में लगा देंगे। ये रामेन बना रहे हैं हम लोग, वेज रामेन, सिल्कन टोफू रामेन कहते हैं इसके अंदर हम लोगों ने नूडल्स डाले हैं, देन उसके बाद जो भी ग्रिल वेजिटेबल्स है जैसे कि हमने इसमें मशरूम कॉर्न्स और ब्रोकली यूज किए, थोड़ा सा स्पिनच डालेंगे, सिल्कन टोफू डालेंगे एंड ब्रॉथ डालेंगे इसके अंदर। मेन चीज होती है रामेन के अंदर इंग्रेडिएंट जापानीज है लेकिन इंडियन कुजीन के हिसाब से इसको हमने थोड़ा सा टच किया हुआ है ताकि इंडियन टेस्ट को भी अच्छा लगे। किसी भी रेसिपीज है जिसमें बस जापानीज वाला भी कट आता है, मतलब फ्लेवर बस जापानीज वाला ही आएगा। अब वेज है अगर तो इसके ऊपर और हम लोग वेज कीमा भी डालते हैं। तो वेज लोगों को नॉन वेज का पूरा पूरा टेस्ट, आंखों का धोखा। मैं फूडी हूँ वैसे तो, बचपन में सबका मन होता है कि मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ या फुटबॉलर बनूँ, कुछ भी बनूँ। मेरा हमेशा से ये मन था कि मैं अपने खाने से लोगों को जहाँ जहाँ उन्होंने जाना है वहाँ वहाँ पहुँचा दूँ, उनको अगर कोई नहीं जा सकता तो वो हमारे पास आ जाए, हम उनको डायरेक्टली वहीं भेज देंगे। तो हमेशा से जब मेरा मन था, जब मैं बीकॉम एमबीए की पढ़ाई कर रहा था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, तो मेरा हमेशा से मन था कि मैं फूड बिजनेस में जाऊँ, मेरा हमेशा से इंटरेस्ट इसी लाइन में था बचपन से। हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज का खाना है जैसे कि जापानीज, कोरियन, मिडल ईस्टर्न, अमेरिकन, अब हमने टर्किश भी स्टार्ट कर दिया है और इंडियन हमारे पास है ही एंड चाइनीज भी हमारे पास। ये फुल चीज़ कोरियन हॉट डॉग बन रहा है चेडर चीज़ के साथ। ये हम लोग मैदे के अंदर सबसे पहले इसको कोट करेंगे, इसके बाद हम इसको, अगर हमने तीन लेयर्स होती है, अगर हमने पोटैटो लेयर चूज़ किया है तो हम इसको पोटैटोज़ के अंदर रोल करते हैं, ये पोटैटो से पूरा कवर होता है। और वैसे क्या क्या ऑप्शन रहती है इसमें? इसमें तीन ऑप्शंस रहती है, एक ऑप्शन रहेगी रामेन लेयर की और फिर एक ऑप्शन रहेगी इसके अंदर ओरिजिनल ब्रेड क्रम्स की। ये हम पोटैटो लेयर बना रहे हैं आपके लिए। कोई भी बंदा एनीमे देखता होगा उसको पता होगा कि रामेन का मतलब होता है नारुतो। हम जितने भी कॉलेज के फ्रेंड्स होते थे, अगर हम लोग ये एनीमे देखते थे तो हमें देखते ही बस एक ही फीलिंग आती थी जब नारुतो रामेन खा रहा होता था, ये खाना है। और जब हम ये सोचते थे तो हमें समझ नहीं आता था कि अब जलंधर में कॉलेज में कहाँ जाएं हम लोग, अब दिल्ली में भी ढूंढे कहाँ ढूंढे हम लोग, लेकिन वो चीज़ कहीं मेरी नहीं रही थी अवेलेबल। तो हमने सोचा, मैंने सोचा सबसे पहले कि एक चीज़ तो मैंने पक्का मेन्यू में रखनी है वो भी रामेन। अब ऐसे ही अगर हम कोरियन की बात करें तो कोरियन भी सीरीज आती है, या और भी मेरे फ्रेंड्स होते थे जो कि बताते थे मेरे को कि ये खाना है, ये जैसे जजोंग म्यान होती है एक चीज़, ब्लैक बीन नूडल्स होते हैं या कोरियन चिकन होता है, ये सब कहीं नहीं मिलता इंडिया के अंदर। अब जाके थोड़ा बहुत दिल्ली में मिलना शुरू हुआ, वैसे कहीं पर भी नहीं मिलता था, हमने स्टार्ट किया था। तो ये हम लोग बना रहे हैं कोरियन तत्बोकी, इसके अंदर राइस केक्स डलते हैं, बेसिकली कोरियन ही राइस होते हैं उससे ही बन पाते हैं, ये हमारे इंडियन राइस से बन भी नहीं पाते। तो मेन सारी रेसिपीज है मतलब बाहर वाली, लेकिन टेस्ट जो है वो ऐसा है जो हमारे इंडियन जितने भी हैं उनको भी अच्छा लगेगा। और ये बाला आ गया, और भाजी लुक चेक करो, क्या बात है भाई साहब, एकदम गर्मा गर्म। ऐसी बड़ी सारी चीजें थी हर जगह की, जो मैं चाहता था कि एक जगह हो जहाँ पे ये सब मिल रहा हो और एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा हो, क्योंकि स्टूडेंट्स हो या टीनेजर्स हो इनकी पॉकेट्स कम होती है, तो मैं चाहता था कि इस पॉकेट के अंदर अगर ये सब चीजें अच्छी प्रेजेंटेशन मिल जाए तो क्या बात है। तो मेरा यही प्लान था, तो मैंने फिर स्टार्ट किया था इसको छोटे लेवल से, एलपीयू के अंदर ही एक हम लोगों ने कायोस लिया था, जैसे मेरी एमबीए खत्म हुई तो मैंने वहां पे स्टार्ट कर दिया। आइडिया बहुत टाइम से चल रहा था, ये कोई एक दो साल की चीज नहीं थी, ये बहुत टाइम से चल रहा था और ये धीरे 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 क्रिएट हुआ है बस, एक मतलब आई वांटेड इट टू बी परफेक्ट इसलिए इट टुक टाइम। ये कोरियन चिकन मिल रहा है, ये चिली सॉस डली है इसमें, नॉर्मल चिली सॉस नहीं है, हम लोगों की खुद की रेसिपी होती है। ये तीन चार तरह की आपकी सॉसेज मैं चेक कर रहा हूँ, और ये आगे चिकन के पीसेस, और ये आ गया स्प्रिंग ऑनियन, और ये टोस्ट टोस्ट टोस्ट। तो स्पीड बाजी की अमेजिंग, और बाजी मतलब 30 सेकंड में ऑर्डर रेडी, बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा। और क्लाउड किचन है तो पाजी आप घर में मतलब जोमेटो स्विगी और मतलब खुद की इनकी डिलीवरी उससे ऑर्डर करके मंगा सकते हो, और गर्मा गर्म ये बनकर रेडी है। ओए होए धुआं मारता हुआ, विंटर का सीज़न आ गया तो इसको ऑर्डर करके घर पे बैठ के इसको एंजॉय करो या इधर आके एंजॉय करो। और ये आ गया पाजी आपका सेसमी सीड्स। तो हम लोगों ने एक कायोस से शुरू किया था छोटे, एंड उसके बाद आपको पता ही है 2020 में लॉकडाउन लग गया, एंड उसके बाद हमें सबको एक साल का ब्रेक मिला सबको। हम लोगों ने और सोचा, हमने सोचा कि अब जब खोलेंगे तो हम वी शुड बी बेटर देन व्हाट वी वर बिफोर। तो हम लोगों ने क्लाउड किचन खोला जलंधर के अंदर ही, एंड धीरे धीरे वो डेवलप हुआ, लोगों को इतना अच्छा लगा कि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर एक गली के अंदर फर्स्ट फ्लोर में खोला था, एंड वहां पे भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी, कार्स नीचे लाइन लगा के खड़े हो जाती थी, तो हमें
वो कस्टमर बोलना शुरू हुए कि आप प्लीज बाहर आओ, प्लीज बाहर आओ, हम लोगों को आराम से बैठ के आपका सिटिंग में खाना है। देन हम लोगों ने वहाँ पे एक साल बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं पे शिफ्ट करें, एंड देन हम लोग ने ये जगह ढूंढी, एंड देन उसके बाद सब बढ़िया है। एंड अब हम लोग चंडीगढ़ में भी आ गए हैं, वहाँ पे क्लाउड किचन हमने स्टार्ट किया। ये चिली चीज फ्राइज बन रहे हैं आपके वेज कीमा के साथ, मेयो, चिपोटले, वेज सोया डलता है, और सबसे ऊपर फिर इसके चीज सॉस डलेगी, मतलब ऊपर से पूरी अच्छे से गार्निश कर दी गई है। ये नैशविल बर्गर बन रहा है, इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग कोल्सलो डालते हैं। नैशविल बर्गर जो होता है उसके अंदर हम लोगों ने चार लेवल्स ऑफ हीट रखे हैं, एक जो नॉर्मल लोग खा सकते हैं, एक जो हम लोगों ने जैसे नाम रखे हुए, एक हमने रखा है गॉड लेवल, एक हमने रखा है एज हॉट एज हेल, और एक हमने रखा है नागा चिली। मतलब नेचुरल बेसिकली ये होता है बर्गर जिसके अंदर पैटी, जो चिकन पैटी होती है फ्राइड, उसके ऊपर हम लोग चिली ऑयल डालते हैं, चिली ऑयल कोट होता है ताकि और स्पाइसी बने। एंड चिली ऑयल कोट करने के बाद जो है, उसके बाद हमारे पास तीन चार मसाले होते हैं जो हम लोगों ने हर एक स्पाइस लेवल के हिसाब से बनाए हुए हैं। तो जैसे अगर ये कस्टमर ने एज हॉट एज हेल चूज़ किया है, मतलब कि बहुत स्पाइसी, तो हम फिर उसके ऊपर वो पर्टिकुलर वही वाला मसाला डालते हैं। ये एक पैटी आ चुकी है, और ये दूसरी, इस पैटी, जो भी पैटी है उसका जो स्पाइस लेवल होगा उस स्पाइस लेवल के हिसाब से उसका मसाला जाएगा। कस्टमर है, इसने डबल पैटी चूज करी है, तो मतलब ये आप देख सकते हो वैसे पैटी का साइज क्या है, और ऐसे ये जो है इस कस्टमर ने ऐसी दो पैटीज के साइज चूज करे है। भाजी बर्गर की लुक तो मुझे कमाल की लग रही है। ये कस्टमाइजेबल होता है, जो जैसे अब ये कस्टमर ने जो है ये चूज किया है, आप कुछ भी अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। ये हमने इसके ऊपर पिकल्स डाले हैं, और ये ऊपर हमने उसके ऊपर डाल दिया है चीज। इतना बड़ा बर्गर मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा भाई। ये दिखने में छोटा लग रहा होगा वीडियो में हो सकता है, लेकिन आई गेस इसमें ऐसे इस बर्गर खाने के लिए दो लोगों को अपने मुंह खोलने पड़ेंगे। तो हमारे लिए सबसे पहला जो डिफिकल्टी था वो यहीं पे आया कि सारे इंडियन शेफ्स से बाहर का खाना है, बाहर का टेस्ट है, ये लोग क्रिएट कर पाएंगे कि नहीं। तो बाय गोदरेज इतने अच्छे थे कि उन्होंने मेरे ब्रांड को, हमें एक टीम समझा, हम लोगों ने एक दूसरे को, और हम लोगों ने दिन रात करके रेसिपीज बनाई। कुछ कुछ ऐसी रेसिपीज है जिनको बनने में बहुत टाइम लगा, महीने भी लगे कभी कभार, क्योंकि जब तक हमें टेस्ट राइट नहीं जा रहा था, हम चाहते ही नहीं थे कभी वो चीज हम किसी कस्टमर को दे जिसका टेस्ट 10 की जगह 9 भी हो। हम चाहते थे हमेशा जो भी कस्टमर के पास जा रहा है वो बस 10/10 होना चाहिए, उससे कम कभी होना ही नहीं चाहिए। बहुत टाइम लगा, हम लोगों ने एक एक चीज को ट्राई किया, धीरे धीरे बनाया, खाया, लोगों को खिलाया, फ्री सैंपल्स दिए, कर करके हमने जो डिशेस बनाई, और फिर आप सबको अच्छी लगती है। ये ड्रीम थी, ये हमारा एक बेबी है, हम चाहते हैं ये बहुत बड़ा बने। और सबसे पहले कोरियन का वीजा लगाने जा रहे हैं, और हम इनका ट्राई करने जा रहे हैं हॉट डॉग, ये ट्राई करना। तो भाई साहब ऊपर वाला शेल एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम चीजी चीजी, क्योंकि ना अंदर जो चीज डाला है और उसके ऊपर ना आलू की जो है मतलब स्टफिंग की गई है, मतलब क्या कहूँ, मतलब बहुत ही अल्टीमेट प्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट बात करूँ, अमेरिका जाना है मैंने, तो अमेरिका जाने के लिए ना इनकी अमेरिकन चीज़ चिली खानी पड़ेगी, मतलब फ्राइज खानी पड़ेगी चीज़ वाली। और ये चेक करो, उसके ऊपर कीमा डाला है फ्राइज के ऊपर बेसिकली, और सॉसेजेस डाली हैं, मतलब क्या ही प्रेजेंटेशन है। ट्राई करता हूँ यार, नज़ारे आ गए, मज़ा। और वेज कीमा भाई साहब सोया का कीमा है, इसी में मतलब आप नॉन वेज भी बनवा सकते हो और वेज भी बनवा सकते हो, जैसा आपको पसंद है वैसा बनवाओ। और भाई साहब चॉपस्टिक तो मैंने कभी यूज नहीं की, पर आज पहली बार चॉपस्टिक से मतलब ट्राई करने जा रहा हूँ। ये चेक करो नूडल्स, ये नूडल्स नहीं है, रामीन है भाई। भाई साहब लुक चेक करना, बहुत ही अल्टीमेट है, एकदम गर्मा गर्म। तो चॉपस्टिक आज मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, मैंने कभी भी जिंदगी में चॉपस्टिक देखी नहीं और ना ही फड़ी है। तो कमेंट करना कभी आपने चॉपस्टिक के साथ खाना खाया कि नहीं। और भाई साहब मैं मतलब चॉपस्टिक के साथ नहीं खा पाऊंगा, इसलिए सबसे पहले तो फोक ही मंगा ली, ये चेक करना। और ये सिलिकन नूडल्स है, मतलब पहले नूडल्स ट्राई करते हैं उसके बाद सूप। नूडल तो खैर बहुत बढ़िया है, पर जिसके लिए ये स्पेशल जाना जाता है वो है सूप, एकदम गर्मा गर्म विंटर में नज़ारा। और ये रहने वाला पनीर शवरमा, और ये तीन पैटी वाला बर्गर है, तीन पैटी डाली है, और जो क्रंच मिलती है ना आपको इसके बीच में, अल्टीमेट। तीन तरह की पैटी डाली है, हर पैटी का अलग अलग टेस्ट है, और एकदम क्रंची क्रंची पैटी रहने वाली है। प्लस ये रहने वाले इनके फलाफल्स, दो तरह के इनके पास टैको हैं, एक है हार्ड शेल वाला और एक है सॉफ्ट शेल वाला, आपको कौन सा पसंद है ये कमेंट करना, बट हम ट्राई करेंगे इनका हार्ड शेल वाला पनीर वाला टैकोस। और ये मतलब पनीर की जो स्टफिंग है ना, भर भर के डाली गई है। और ये रहने वाला टबोकी,
तो भाई साहब ये फूड तो बहुत बेहतरीन है, इसको हम फिनिश करते हैं जो लोकेशन रहने वाली है जलंधर में अर्बन एस्टेट फेस 2 में ग्लोबल स्ट्रीट फीस वालों के पास आ सकते हो और इनका चंडीगढ़ में भी आउटलेट वहां पर भी ट्राई कर सकते हो और ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आते रहेंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय सारे, प्यार भरी सत श्री अकाल।